नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें दोस्तों अपने 84 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना 85 नंबर का मॉडल पेपर है। अगर पिछले वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे और वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, वो कौन थे? कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो कौन थे दोस्तों वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा सावंत सिंह। चार नंबर का ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सावंत सिंह का जो उपनाम है वो नागरीदास है। नागरीदास का मतलब ये होता है कि राधा का सेवक होता है, नागरीदास राधा का सेवक। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डीके करवे। दो नंबर का ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो मूल शंकर था, ठीक है। 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत यानी कि काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चार नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो, कथन एक और कारण टू दिया हुआ है। इसमें देखो कथन एक में देखो बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण टू के अंदर देखो उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ये गलत है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ठीक है, ये राष्ट्रवादी नेता थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का इसमें गलत है। दूसरा देखो, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत है और परंतु दो सही, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, पांच अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, तो कौन थे वो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो कौन थे दोस्तों इसके संस्थापक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन, भगत सिंह। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है सात नंबर प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो दोस्तों कब जोड़ा गया था गांधी के नाम से पहले महात्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। एक नंबर का ऑप्शन है ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार है वो महात्मा कहा था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किसने कहा था सर्वप्रथम महात्मा?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बम्बई में। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन है ये, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दस नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो दोस्तों इनके अंदर क्या समानता थी वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी चार ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ, एक ही आपको याद रखना है उसमें से। ठीक है, तो इसमें देखो ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन है ये, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो दोस्तों किसने किया था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, इसमें देखो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी साथियों के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वह थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी साथियों के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वह थी, तो वह क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चपाती। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, जिसमें 31 मई 1857 को क्रांति की निश्चितता थी, लेकिन क्रांति समय से पूर्व 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री किशनलाल जोशी को। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं राजस्थान के लोह पुरुष, तो दोस्तों दामोदर लाल व्यास ये लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान के। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, तो दोस्तों किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ रियासत ने। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो बिजौलिया किसान आंदोलन से माना जाती है। ठीक है, और बिजौलिया ठिकाना था वो मेवाड़ रियासत में था, तो मेवाड़ रियासत इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था,
तो राइट आंसर हो जाएगा वो है भोपाल सागर में। ठीक है, ये भोपाल सागर कहां पर है? तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में। उस कंपनी का नाम क्या था? तो दी मेवाड़ सुगर मिल लिमिटेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर का ऑप्शन भोपाल सागर। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में पशु संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। राजस्थान में पशु संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटना है कि इनमें से गलत कथन है ये दोस्तों कौन सा है? तो इसमें देखो पहला ही देखो दोस्तों, वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसके अंदर यही गलत है दोस्तों। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन है ये इसके अंदर गलत है दोस्तों। गधों के अंदर तो 20.23%, ठीक है, गधों के अंदर 20.23% वृद्धि हुई है और खच्चरों के अंदर दोस्तों वो है 280.93% वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्ष 2012 19वीं पशुगणना के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर का ऑप्शन। बाकी और दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखो वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है 2012 के अनुसार। और देखो दोस्तों इसके अंदर वर्ष 2007 से 12 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। 18 नंबर प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोडवाड़ क्षेत्र को लूणी बेसिन क्षेत्र भी कहते हैं, यह पश्चिमी रेतीले मैदान का एक भाग है। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है वो दोस्तों सबको पता होगा धौलपुर है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसलमेर का कितना है? तो 38401, सबसे ज़्यादा जैसलमेर का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता या योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 57। ठीक है, 10 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो दोस्तों कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 6 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है किसके द्वारा?
तो दोस्तों ये किया गया है संसद द्वारा, ठीक है। द नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए, तो कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम विपक्ष की मान्यता देने हेतु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50 सदस्य। 50 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता को मान्यता हेतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी कि 545, ठीक है, 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन होना चाहिए, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट कम से कम पूछ रहा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 55 सदस्य, ठीक है, ना कि 50 सदस्य। ब नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है केशवानंद भारती, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, दोस्तों 1973 की बात है, उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ में संविधान के मूल ढांचे के का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से REI का भागीदार है, REI का भागीदार है, तो दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार, विश्व आर्थिक मंच, भारतीय उद्योग परिसंघ, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किसके नियंत्रणाधीन है? तो दोस्तों को किसके नियंत्रणाधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के, बे नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, राज्य परिषद का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है दोस्तों राज्य परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो कितनी है? तो दोस्तों 3 है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो दोस्तों कितनी है? 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, द नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रबंधन का हृदय है तो क्या है? वो है दोस्तों इसमें अभिप्रेरणा, ब नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर में, ब नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है हितकारी निधि योजना किसके द्वारा संचालित कार्यक्रम है? हितकारी निधि योजना किसके द्वारा संचालित कार्यक्रम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय, ठीक है, द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो EMIS कार्य योजना ने विद्यालय स्तर के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें VCERT द्वारा, ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखता है तथा उपलब्ध साधनों से कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है, उपयुक्त परिभाषा दी है। तो दोस्तों किसने दी है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेसी ने,
ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली किसके द्वारा परिवर्तित है, तो किसके द्वारा परिवर्तित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है VUPA, ठीक है, न्यूपा है दोस्तों ये, ठीक है, वी नी एन है ये, ठीक है, तो दोस्तों न्यूपा हो जाएगा, न्यूपा के द्वारा परिवर्तित प्रणाली है ये, 6 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, संस्थागत योजना का स्वरूप है, तो संस्थागत योजना का जो स्वरूप है वो दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा अनुसार योजना, विषयानुसार योजना, अध्यापकानुसार योजना, उपरोक्त सभी, द नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक नज़र में ही किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने में सहायक है, एक नज़र में ही किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने में सहायक है, तो दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजरी नक्शा, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है वो दोस्तों कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रधानाध्यापक, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, सभी विद्यालय को कितने अंकों का डाइस कोड प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अंकों का। नेक्स्ट है, 41 नंबर प्रश्न है, एशिया का प्रथम स्ट्रो डेसिफिकेशन प्लांट प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा, तो दोस्तों ये कहाँ पर खोला जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हनुमानगढ़ जिले में, एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2018 को दुनिया का सबसे बड़ा योग शिविर कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ ये हुआ दोस्तों कोटा में, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाल ही में दुबई में आयोजित फाजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुंदन गांव सीकर राजस्थान के निवासी किस खिलाड़ी ने तस्तरी फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, तो दोस्तों किसने जीता था, तो ये जीता था सुमन डाका ने, तस्तरी फेंक में इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता था, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाल ही में राजस्थान में राज्य शिक्षा विभाग ने HD ऑडियो वीडियो के साथ आंगनबाड़ी से कक्षा 8 सभी विषयों तथा कक्षा 9 से 12 सीमित विषयों के लिए पाठ्य सामग्री एक पोर्टल पर उपलब्ध करवाई है, वह पोर्टल है, तो वह पोर्टल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ई ज्ञान पोर्टल, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में अल्पसंख्यकों हेतु अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा, तो दोस्तों ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिलाओं हेतु इनक्यूबेटर का शुभारंभ किया, तो कहाँ पर किया दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऋण देगी, तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऋण देगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विश्व बैंक, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से सही कूट का दोस्तों इसके अंदर चयन करना है कि कौन कौन से इसके अंदर कथन है वो सही है, तो इसमें देखो वार्षिक कृषि उन्नति मेला 16 मार्च से 18 मार्च 2018 के मध्य नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान में आयोजित किया गया, यह मेला वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, एक नंबर बिल्कुल सही है, यह मेला वर्ष 1972 में आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि क्षेत्र में विकसित नवीनतम तकनीक के बारे में जागरूक करना है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों इसके अंदर कृषि उन्नति मेला 2018 के आयोजन पर प्रधानमंत्री ने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधारशिला रखी तथा कृषि क्रमण
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है ये सारे के सारे कथन है ये सही है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को गोदावरी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोल पालेकर को, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में विदुर पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य में विदुर पेंशन योजना की शुरुआत की है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हरियाणा, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। विदुर मतलब समझते हो, जिसकी पत्नी मर जाती है वो होता है दोस्तों विदुर। समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो वो उपकरण कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है फेदोमीटर। नेक्स्ट है, एक नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन कहते हैं, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो समस्थानिक परिणामों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये याद रखना, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है तारों व आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तारों व आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो वो उपकरण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटरफेरोमीटर, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, यदि मेरा भाई का जन्म सोमवार को आता है तो मेरा जन्मदिन सप्ताह के कौन से दिन का होगा, तो कौन से दिन का होगा, तो इसमें देखो दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 64 दिन दिए गए हैं, तो इसमें अपन को 7 का भाग देना है, ठीक है, 64 में 7 का भाग दिया तो दोस्तों 9 बार गया 63, ठीक है, 7 9 63 गया, पीछे बचा दोस्तों एक, जो एक शेष दिन बचा है वो दिन दोस्तों इसमें कौन सा है, तो अपने को देखो इसमें देखो कि सोमवार को आता है उसका भाई का जन्मदिन, तो अब इसका एक दिन आगे आएगा यानी कि मंगलवार को आएगा दोस्तों इसका जन्मदिन, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो यदि ए डॉलर बी का तात्पर्य है, ए पिता है बी का, ए एट द रेट बी का तात्पर्य है, ए बहन है बी की, ये दोस्तों ऐसे पुत्र है ये निशान दिए गए हैं, अब अपने को इसमें ये बताना है कि समीकरण देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एम एच एन डॉलर पी एट द रेट क्यू स्टार जे के अनुसार एन का जे से क्या संबंध है, तो एन का जे से क्या संबंध है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, ये एम ये हैच ये एन और ये डॉलर का निशान, ये पी और ये एट द रेट, ठीक है, और ये क्यू और ये उसके बाद में क्या है दोस्तों स्टार जे। अब देखो जे को तो क्या करना है, अपने को खुद को मानना है जे, ठीक है, अपने को खुद को मानना है जे, यानी कि जे मैं खुद हूँ, ठीक है, अब स्टार का निशान लगा हुआ तो स्टार का मतलब क्या होता है, बी पत्नी है ए की, यानी कि मैं मेरी पत्नी क्यों पे आएगा, क्योंकि निशान के ऊपर क्या लिखोगे पत्नी, ठीक है, क्योंकि निशान के ऊपर क्या लिखोगे पत्नी। अब देखो आगे निशान कौन सा है डॉलर का, तो इसमें देखो ए पिता है बी का, यानी कि यहाँ पे लिखना है एन के ऊपर अपने को पिता, यानी कि मैं मेरी पत्नी मेरे पत्नी के सॉरी एट द रेट है पहले सबसे एट द रेट आएगा इसमें देखो, क्योंकि बाद में मैं मेरी पत्नी आ गया दोस्तों यहाँ पे क्यों पे के ऊपर, अब एट द रेट का मतलब है यहाँ पे दोस्तों बहन लिखा जाएगा पी के ऊपर, यहाँ पे पी के ऊपर बहन, यानी कि मैं
मेरी पत्नी की बहन, और उसके आगे दोस्तों डॉलर में क्या है, पिता। तो मैं, मेरी पत्नी की बहन, मेरी साली और मेरे साली की, सॉरी मेरी साली के पापा यानी कि पिता, मेरे क्या लगे, वो ससुर लगे दोस्तों, ठीक है। और देखो हैज का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब है पुत्र, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या लगा, तो ये हो गया साला, साला लग गया। तो इसमें अब अपने को ये बताना है कि एन का जैसे, तो दोस्तों एन का तो वही संबंध हो गया, एन उसके पापा है, किसके, मेरी पत्नी और मेरी सही मेरी साली के पापा हैं एन। तो मैं क्या लगा उनका, मैंने उनका जमाई लगा, और वो मेरे क्या लगे, तो वो मेरे ससुर लगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ससुर, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। तो दोस्तों क्या संबंध होगा ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो पत्नी की भाभी मतलब, पत्नी की भाभी का मतलब क्या हो गया, तो पत्नी का भाई का बेटा, तो पत्नी का भाई का बेटा दोस्तों क्या होता है, अपना साला, और मेरी क्या होता है, साला। तो दोस्तों साले का बेटा होता है, ठीक है। तो वो क्या लगेगा दोस्तों, वो लगेगा दोस्तों ममेरा भाई, ठीक है। यहाँ पे अपन को खुद को रखने के देखना है कि यानी कि मैं, मेरी पत्नी की भाभी कौन हुआ, तो मेरी मामा की वाइफ हुई, और मेरे मामा के वाइफ का लड़का है, वो मेरे लड़के का क्या लगा, तो दोस्तों ममेरा भाई लगा, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, किसी पंक्ति में आकाश को आगे से 25वां स्थान है, इसी पंक्ति में आलोक आकाश से आगे 10 स्थान पर है, यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसके अंदर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो आकाश आगे से 25वां स्थान है, ठीक है, यानी कि ये आगे से है, ये अपन लिख देते हैं, ये माइनस के 25वां स्थान, ठीक है। आलोक आकाश से आगे है 10वां, ठीक है, यानी कि 10वां, ठीक है। तो ये दो इसमें माइनस हो जाएंगे 25 में से, तो कितने बच गए, तो 15 बच गए, ठीक है। अब देखो पीछे से 18वां, तो पीछे से 18वां यानी कि 18 और 15 कितने होते हैं, 18 और 15 होते हैं दोस्तों 33, और एक को दो बार गिना जा रहा है, तो एक कम होगा उसके अंदर से, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो यदि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता है वो अनीता से लंबी है, देखो सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता है, ये दोस्तों मैं यहाँ पे सुनीता लिख देता हूँ, ये है अनीता से लंबी, ठीक है। रीना चित्रा से लंबी है, रीना है ये चित्रा से लंबी है, यानी कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ रीना, और यहाँ लिख देता हूँ मैं चित्रा, चित्रा से लंबी है, बिल्कुल सही है, लेकिन भानु से छोटी है, लेकिन भानु से छोटी है, ये दोस्तों आ गया इसके ऊपर भानु। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा है वो सुनीता से लंबी है, ये दोस्तों यहाँ पे जुड़ गया है ये सेंटेंस पूरा। तो सबसे छोटी कौन होगी, तो सबसे छोटी अनीता होगी दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में पांच पंक्तियाँ हैं, जिसमें पांच बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे के पीछे अलग अलग पांच पंक्तियों में निम्न प्रकार बैठे हैं, अलग अलग पांच पंक्तियों में निम्न प्रकार से बैठे हैं। तो देखो ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी से आगे, ठीक है, सी बैठा है ई के पीछे, सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई से आगे, तो वही
अंतिम पंक्ति में वे किस क्रम में बैठे हैं वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों आप इसको, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो ए बैठा है सी के पीछे, तो ए है ये सी के पीछे बैठा है लेकिन बी से आगे बैठा है, ये देखो ये बन गया एक इधर, ठीक है। ये दोस्तों आपको कहाँ दिख रहा है वो ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अंदर, तो वो देखो सी ए बी ये दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, 3:5, 4:3 तथा 5:7 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो मिश्र अनुपात दोस्तों इसमें क्या होगा, तो इसमें दोस्तों इसको देखो 3:4:5 इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर अनुपात के अंदर लिखेंगे दोस्तों वो है 5:3:7, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 5 से 5 कट गए, ठीक है, 3 से 3 कट गए, तो 4:7 बचे, तो इसकी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:7। सॉरी 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही 250 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे से कितने सेकंड में पार कर लेगी। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, ट्रेन है, किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से वह दौड़ रही है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखो अपने को क्या करना है, तो इसको पहले तो अपन जो 60 किलोमीटर है प्रति घंटा, इसको दोस्तों अपन पहले इसको मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है, सॉरी सेकंड में चेंज करते हैं। तो इसके अंदर देखो सूत्र क्या लगेगा इसके अंदर, तो 60 × 5/18, तो 18 × 36 = 54, ठीक है। ये दोस्तों अभी ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 250 मीटर लंबी ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऊपर ही ऊपर आएगा दोस्तों 250 × 60 × 5/18, तो ये 18 है, ये दोस्तों क्या करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों नीचे बचे का क्या बचा, तो 60 × 5 बचा नीचे, और ऊपर क्या बचा 250 × 18। अब दोस्तों इसको काट लो, ठीक है, 0 से 0 कट गई दोस्तों, 5 से कट गया ये 5 बार, ठीक है, तो 18 × 5 = 90 में दोस्तों अगर अपन 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 15 राइट आंसर आ जाएगा, 15 सेकेंड। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो यदि ए किसी काम को 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी काम को 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यह सबसे पहले तो अपन को ये बताना है कि 1/3 भाग है वो दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, यानी कि एक काम है, देखो 1/3 भाग है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में, तो 1 भाग काम है वो दोस्तों कितने में करेगा, तो 3×5, यानी कि एक भाग काम है वो दोस्तों 15 दिन में करेगा। दूसरा देखो इसके अंदर, इस प्रकार 2/5 भाग है वो 10 दिन में कर रहा है, तो अपने को इसमें क्या करना है, तो 10×5 / 2 करेंगे इसको, तो कितने दिन आ जाएंगे, तो इसका एक काम निकालना है, तो इसका तो आ गया 15 और इसका आ गया दोस्तों 25। अब इसको क्या करना है, तो देखो 15×25 / इनको जोड़ दो वापस नीचे, तो कितने हो गए 40, तो अब इनको काट लो दोस्तों, ठीक है, 15×25 / 40 इनको काटेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 9 से ही 3/8 दिन, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें देखो 65 नंबर प्रश्न है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी × 30 सेमी के कितने पत्थर लगेंगे, तो कितने पत्थर लगेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो 20 × 30 कितने होते हैं 600, ठीक है, 600 × 600 / 20 × 30 होगा दोस्तों इसमें 20 × 30। अब अपन इसको काट लेंगे, तो इसमें देखो ये 0 से 0 0 से 0 ये कट गया, और 6 से 6 कितने हो गए दोस्तों 3600 के अंदर दोस्तों अपन 6 का भाग देंगे, तो कितना जाएगा 600, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर।
66 नंबर प्रश्न है, मतानुसार में संधि है, मतानुसार में दोस्तों संधि है वो दोस्तों कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है मतानुसार में। नेक्स्ट है, प्राचीन शब्द का विलोम है, तो प्राचीन शब्द का जो विलोम है वो दोस्तों कौन सा है, अर्वाचीन, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से किस वाक्य में मंगलकारक अभिप्राय व्यक्त होता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मंगलकारक अभिप्राय व्यक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खुशबू और नरेश का विवाह शंकर हो, ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो देखो अपने को चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब एक सेंटेंस है ये पूरा, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है वो त्रुटि है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो चारों ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता का, ये दोस्तों इसके अंदर गलत है, ठीक है ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैंडेटरी के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें आवश्यक, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द बताना है इसमें, तो इसमें देखो हस्टिली, तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है लिजुअरली, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो खालिस्तान भरना है दो, सॉरी 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो द सोल इमोर्टल, द सोल इमोर्टल, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों इज, द सोल इज इमोर्टल, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। अब इसमें देखो वापस खालिस्तान भरना है, लॉट्स ऑफ गर्ल शॉर्ट हेयर, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो हैव, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 74 नंबर प्रश्न है, माई वाइफ वाज ट्राइड द वॉल्क, तो इसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों वो है विथ आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें देखो डू कैट्स कैच माइक, डू कैट्स कैच माइक, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों वो है आर माइक काट बाई कैट्स, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना 85 नंबर मॉडल पेपर कंप्लीट। तो दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, और बाकी का दोस्तों शेयर करना और लाइक करना ये तो आपके हाथ में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।